क्रिकेट की खबरों के लिए क्रिकेट आज तक को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच हारते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हुई भारतीय टीम, जानिए कैसे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 सीरीज हारने के साथ ही भारतीय टीम का अगले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी झटका लगा है। भारतीय टीम को कैप डाउन में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में टीम इंडिया 4थे से 5वें स्थान पर लुढ़क गई है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम 5वें से 4थे स्थान पर आ गई है। जुलाई 2021 से 2023 तक चलने वाली इस साइकिल में 7 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। इस दौरान भारत और इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। भारत ने 9 मैच खेले हैं और इसमें से 4 मैच जीत हासिल की है, 2 मैच ड्रॉ रहे हैं जबकि 3 मैच से हार मिली है। आईसीसी के नियम के अनुसार 1 मैच जीतने पर विजेता टीम को 12 पॉइंट मिलते हैं, वहीं मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को 4-4 पॉइंट मिलते हैं और हारने वाली टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता। वहीं मैच टाई होने पर दोनों टीमों को 6-6 पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट टेबल की रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि एक टीम ने हर मैच में कितने प्रतिशत पॉइंट हासिल किए। 1 मैच में कुल 12 पॉइंट ही होते हैं। भारतीय टीम एक पायदान लूट की। टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप की तीसरी हार के साथ ही जीत प्रतिशत में 5वें स्थान पर आ गई है। भारत के जीत का प्रतिशत 49.07 है। धीमी ओवर रेट के कारण टीम इंडिया को 3 अंकों का नुकसान भी हुआ है जिसकी वजह से उसके अंक भी 53 है। वहीं लगातार 2 टेस्ट मैच जीतकर साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह मजबूत की है। उसने अब तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं और 2 में जीत हासिल की है। उसके 24 अंक है। दक्षिण अफ्रीका की जीत प्रतिशत 66.66 है। इसी वजह से टीम 4थे स्थान पर है। तो दोस्तों, आपके अनुसार क्या भारत WTC फाइनल में पहुंच पाएगा या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए क्रिकेट आज तक को सब्सक्राइब जरूर करें।